नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की। मंडला पंचायती कार्यों में किस तरीके से राशि का बंदरबांट किया जाता है, यह किसी से छुपा नहीं। ऐसी एक पंचायत का मामला संज्ञान में आया है, जहां के लोग गांव के मुखिया कहे जाने वाले सरपंच की कार्य प्रणाली से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। मामला है बमनी के सर्री ग्राम पंचायत का, जहां गांव में चल रहे अनियमित कार्यों से आक्रोशित हैं। उनका कहना है पंचायत की सरपंच गांव में हो रहे कार्यों का लेखा जोखा ग्रामीणों को नहीं बताए हैं। वही सीसी रोड निर्माण में कितने रुपए का बंदरबांट किया है, वह भी आम जनता के सामने नहीं रखते। आम जनता की मांग है कि गाँव के काम विविध रूप से हों, जल्द ही मानसून दस्तक देने वाला है। ऐसे में नगर में बंद पड़ी नालियों की साफ सफाई की जाना है, लेकिन पैसे होने के बावजूद ग्राम पंचायत काम नहीं करवा पा रही। मजदूरों को नगद भुगतान चाहिए, लेकिन सचिव के पास अधिकार नहीं होने से कार्य प्रभावित हो रहे हैं। नालियों की सफाई नहीं होने से यहाँ हाल ही में हुई बारिश में सड़कों पर पानी भर गया था, जिसके चलते रहवासियों को खूब परेशानी उठाना पड़ी। होली चौराहे पे पाइपलाइन ऐसी ही खुली पड़ी है, जिससे पानी का रिसाव होते रहता है। वहीं सीसी रोड का कार्य अधूरा पड़ा है। ये है क्या है, यहाँ पे पंचायत के द्वारा बहुत ज़्यादा लापरवाही और बहुत ज़्यादा कोताही बरती जा रही है। बार बार उनको सूचना देने के बावजूद भी और बार बार गांव के जो सदस्य लोग हैं, गांव के जो नागरिक लोग हैं, बार बार उनके पास में जा रहे हैं, आवेदन लेके जा रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, फिर भी जो है वो अपनी केवल मनमानी पर तुले हुए हैं। इनसे बार बार बोलने के बाद में भी यहाँ पे जैसे अभी एक PWD रोड के वहाँ पे जो अभी नहर की पुलिया है ये अपने मंच के पास में, तो वो पुलिया में उनको बोला गया कि भाई यहाँ पे जो PWD की रोड जो है उसको मत खोदो, क्योंकि पानी का बहाव फिर से जाएगा, क्योंकि पूरा गांव का पानी का बहाव वहीं पे आता है पूरी नाली का। अब उसको बोले कि भाई वहाँ पे मत खोदा, ना खोदा जाए, मगर वो फिर भी क्या है अपना मनमानी करते हुए वहाँ पे खुदाई कर दिए। अब उनको बोला जा रहा है कि भाई यहाँ PWD की रोड है, इसको काट दिए हो आप लोग और वहाँ पे आप पुल्डा डाल करके उसकी मुर्मीकरण कर दीजिए ऊपर से, तो उसके लिए भी वो तैयार नहीं है। तो एक ये भी प्रॉब्लम है कि नाली वगैरह साफ नहीं हो रही है ना। हर ग्राम पंचायत में एक स्वीपर की व्यवस्था होती है, पर यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। नाली का पानी गली में बहता रहता है, आने जाने में प्रॉब्लम होती है, जो भी है घर के सामने खुद ही अपनी नाली साफ कर रहे हैं, इस टाइप की कंडीशन बनी हुई है। सरपंच और मतलब ग्राम पंचायत उस पर कोई ध्यान देने देती नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी असुविधा हो रही है पंचायत के द्वारा, जो हमें मतलब सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हो रहा है गाँव में ही। थैंक यू। पंचायतों में जो कार्य रुका है वो सरपंचों की लापरवाही से रुका हुआ है, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहे। आपके द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, या फिर इनको किस प्रकार से जो है बोला जा रहा है? मैं उन पे दबाव देती रहती हूँ बीच बीच में कि आप काम करवाएं, और ये जो पुलिया है वो भी जनपद निधि मतलब 14 वित्त की राशि से बनना था। इसमें की स्वीकृति 5 लाख रुपए थी, जिसमें 2 लाख रुपए किसी पंचायत ने आहरण कर लिया और 3 लाख में अब ये बन के कम्प्लीट हुई है। और भी समस्याएं हैं, लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो है पोल या फिर रोड खोद के जो है नाली का निर्माण भी नहीं हो पाया है, ना रोड खोद के जो है पानी निकाला जा रहा है। इस विषय में पुंडे तो पोल तो वैसे पंचायत की है, पर किसी को निजीगत नहीं लेके जाना चाहिए, पर इसके लिए सब आवाज़ उठा रहे हैं और ये मैं होने भी नहीं दूंगी। थैंक यू मैडम। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।